नमस्कार, बीसीएन न्यूज के खास मुलाकात महिला दिन विशेष में आप सभी का मैं क्षितिजा स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ है दिव्या शर्मा, ये योगा में गोल्ड मेडलिस्ट है। इसके साथ ही ये आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन की विदर्भ की वाइस प्रेसिडेंट भी है और इसी के साथ इन्होंने कई जो है इसमें डिग्रियां हासिल की है। देखिए क्या होता है ना कि लड़कियाँ जो होती है, महिलाएँ जो होती है कि हर जिम्मेदारी को निभाकर बाहर की जिम्मेदारी भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से संभालती है। वो कहते हैं ना, मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी, और उसी का प्रत्यय है ये दिव्या शर्मा जो हमारे साथ आज है। बहुत बहुत स्वागत है और उमेश डे की आपको मेरी और बीसीएन की ओर से बहुत बहुत शुभेच्छा। दिव्या, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपने इतनी सारी डिग्रियां जो हासिल की है, जैसे कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, योगा में नेचुरोपैथी फिजिशियन हो, और ये करियर क्यों चुना? मतलब हम इंस्पायर होते हैं ना किसी एक चीज से, तो उसी के बाद हमें लगता है कि हाँ, हमें भी आगे बढ़ के मतलब ये करना चाहिए या बड़े होके हमें भी ऐसा ही बनना है, तो क्या बताओगे? एक्चुअली बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर की फील्ड में जाऊँ या ट्रीटमेंट, किसी भी टाइप के ट्रीटमेंट के फील्ड में जाऊँ, लेकिन वैसा नहीं हुआ। मैंने एक दूसरा ही अलग ही पाथ चूज़ किया था, लेकिन 2 साल पहले की बात है, मेरे दादाजी कैंसर से सफ़र कर रहे थे। उसके बाद मैं जब उनको देखती थी ऐसा, जैसे बहुत उनको प्रॉब्लम्स होती थी, तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी फील्ड में जाऊँ जिससे मैं कैंसर पेशेंट को भी ट्रीट कर सकूँ। नॉट फिजिकली तो हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज, लेकिन मेंटली एटलीस्ट जो मेंटल सपोर्ट हम उनको दे सकते हैं, एटलीस्ट मैं वो उनको दूँ। सो एक वो इंस्पिरेशन भी था मेरा, और मुझे लोगों को ट्रीट करना, लोगों को एक बुरे समय से एक अच्छे समय की तरफ, एक दुख से एक हंसी की तरफ जाते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये फील्ड जो है चूज़ की है। बिल्कुल, मतलब महिलाएं होती ही इतनी मतलब कोमल हृदय की है कि किसी का दर्द उनसे सहा नहीं जाता। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। इतनी सारी डिग्रियां ली है आप, टैरो कार्ड जैसे इसमें भी मतलब हो, तो इसके बारे में क्या बताओगे? रेकी हो गई, मतलब बहुत इसका कॉम्बिनेशन कर भी आप मतलब अलग कुछ करती हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यस, एक्चुअली मैं जो अभी वर्क कर रही हूँ वो एक कॉम्बिनेशन ही है। मतलब मेरे पास जो लोग आते हैं वो मेंटली ही नहीं, फिजिकली के साथ साथ वो मेंटली भी फिट होते हैं, बिकॉज आज के ज़माने में हमें ये बताया गया है, इवन WHO ने भी ये बोला है कि इन फ्यूचर में कोविड तो एक सिंपल, सिर्फ एक भगवान ने हमें ये दिखाया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इन फ्यूचर में एक इतनी बड़ी बीमारी आने वाली है जिसको हम एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, मतलब ऐसे मेंटल डिसीजेस हम बोल सकते हैं जिससे लोग सफ़र करने वाले हैं। और हम लोग फिजिकली बीमारी से बहुत इजीली निकल सकते हैं, हम लोग दवाइयाँ ले सकते हैं, डिफरेंट काइंड की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट मेंटल डिसीजेस के लिए एक हमारे पास है मेडिटेशन और योगा, ये सबसे बेस्ट थिंग होती है जिससे हम मेंटल डिसीजेस को हम क्योर कर सकते हैं। तो ये मेंटल डिसीजेस से मैं चाहती हूँ कि ना ही हमारे भारत के बट ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग मेंटल डिसीजेस से क्योर हो, और मैं मेंटल डिसीजेस पे ही वर्क करना चाहती हूँ बेसिकली, ताकि मैं लोगों को एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों से बाहर निकाल सकूँ, और उसमें जो खुशी मिलती है वो एक अलग ही लेवल की, नेक्स्ट लेवल की होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने देखा है कि आप जो है योगा में गोल्ड मेडल, योगा में गोल्ड मेडल, हमने देखा कि आप मतलब इतनी डिग्रियां लेने के बाद योगा में जो है अपने गोल्ड मेडलिस्ट मतलब हो आप, तो मुझे बताइए कि यूथ जो है, हम जनरली देखते हैं कि यूथ जो है जिम की ओर ज़्यादा दिखाई देता है, योगा नहीं, मतलब योगा में इतना रुझान नहीं रहता है लेकिन जिम जाना बहुत पसंद करते हैं। आप यूथ में से ही हो, यंग हो, तो योगा में इतना सारा मतलब इतनी सारी उपलब्धियाँ हासिल किए। देखिए, मैं जिम के लिए कुछ नेगेटिव तो नहीं बोलना चाहूँगी, सबकी एक अपनी अपनी सोच होती है। जिनको जिम के तरफ जाना रहता है, जिनको बॉडी अपनी बॉडी बिल्ड करनी रहती है, वो डेफिनेटली जिम के तरफ जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड। बट योगा एक ऐसी चीज़ है, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि योगा एक ऐसी चीज़ है जिनसे हम अपने फिजिकल डिसीजेस तो क्योर कर ही सकते हैं, बट उसमें उनसे हम लोग अपने जो मेंटल डिसीजेस है वो भी हम लोग क्योर कर सकते हैं। और योगा मेरे हिसाब से, मतलब हमने ये भी देखा है कि हमारे एंशियंट टाइम में, जब पुराने समय की बात थी, तो जिम एंड ऑल ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। बेसिकली लोग क्या करते थे, योगा करते थे,
महर्षि पतंजलि जो थे, कई सालों पहले से ये योगा जो है हमारे भारत में उत्पन्न हुआ है और लोग इसके प्रति लोग जो है ये योगा के प्रति अभी ये टाइम में लोग बहुत सारे जो लोग हैं वो योगा के तरफ अगर हाँ जा रहे हैं, जा बढ़ रहे रहे हैं, हैं। हम देखते हैं कि योगा बहुत से लोग अभी फिलहाल जो है हाँ, अवेयरनेस अवेयरनेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ ज़्यादा चुका बढ़ है। चुका है। मुझे ये बताइए कि आप जो है नेचुरोपैथी के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारी पैथियाँ जो है यहाँ पर उपलब्ध है और लोग उसे मतलब ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी जो है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं है, तो क्या बताना चाहोगे? जैसे पहले के ज़माने में कोई भी टाइप की मेडिसिंस नहीं होती थी, ना ही आयुर्वेदिक मेडिसिंस होती थी, ना ही एलोपैथिक मेडिसिंस होती थी, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। सो जो लोग अपने बॉडी का ट्रीटमेंट करते थे वो फाइव एलिमेंट्स के थ्रू करते थे, जो बेसिकली हमारे फाइव एलिमेंट्स दिए गए हैं उनके थ्रू लोग ट्रीटमेंट करते थे। सो नेचुरोपैथी सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, सबसे पुराना है, जिनसे हम सिर्फ पांच एलिमेंट्स के थ्रू अपने बॉडी को क्योर कर सकते हैं। बट आज के टाइम में क्या हो गया, लोगों को सूरज से तक एलर्जी होने लग गई। बिल्कुल मतलब जो हमें ऊर्जा देता है, विदाउट सूरज हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। अगर सूरज नहीं होता तो ये धरती ही नहीं होती। लेकिन आज के टाइम पे लोगों को उस चीज़ से, उस ऊर्जा से एलर्जी होने लग गई। क्यों? बिकॉज हम लोग उसके प्रति हम लोग उसके तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हम लोग उनके पास नहीं जा पड़े, कनेक्ट नहीं, जो बोलते हैं कनेक्शन होता है वो एक कनेक्शन ही नहीं रहा है, हमारा नेचर से कनेक्शन नहीं है, नेचर से हम दूर जा, बिना चप्पल के हम लोग चलते नहीं है, नहीं बिल्कुल विदाउट चप्पल, जबकि बोला गया है कि हमें एटलीस्ट घर में तो भी विदाउट चप्पल रहना चाहिए ताकि हमारी ग्राउंडिंग हो, मतलब एटलीस्ट अर्थ एलिमेंट से हम लोग कनेक्टेड रहे। सो नेचुरोपैथी एक ऐसा काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है जिससे हम लोग अपनी पूरी होल बॉडी को एनी काइंड ऑफ मेडिसिन नेचुरली हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। सो विदाउट साइड इफेक्ट, विदाउट एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट। बिल्कुल। आपने इतनी सारी डिग्रियां हासिल की है, तो इस समय आपको घर से किस तरह का सपोर्ट रहा, और इस दौरान आपको मतलब एक लेडीज हो, महिला हो, लड़की हो, तो बाहर जाते टाइम या बाहर में आपको किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मतलब बहुत सारी उपलब्धियां जो है आपने बहुत ही कम उम्र में हासिल की है। यस देखिए, सपोर्ट तो मेरे घर से ऐसा है, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, मेरे चाचा चाची, मेरी बुआ, सब लोगों का मुझे इतना सपोर्ट है। विदाउट उनके सपोर्ट के शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाती। बिल्कुल एज अ ब्राह्मण गर्ल हम लोग में होता है ऐसा कि एक लड़की को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन मेरे घर से इतना सपोर्ट होने की वजह से ही मैं इतना अपनी लाइफ में जितना भी अभी तक किया है उतनी चीज़ें की है। मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ये नहीं बोला कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, एक्सेट्रा, कभी नहीं। जैसे आपने बोला कि बाहर जाते हैं हम लोग, यस बाहर जाते टाइम जब भी हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इवन कभी ट्रेन के टिकट्स हमारी कंफर्म नहीं होती तो हमें ऐसे ही जाना पड़ता है, लेकिन इट्स ओके। एक स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैं यही बोलूँगी कि हमें ये क्वालिटी होती है कि हम एक वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पे आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? यस सो मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, क्योंकि एक महिला ही ऐसी चीज़ है जिनमें क्वालिटी होती है कि वो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कैसे बैलेंस करें। बिल्कुल। वो अपने बच्चों को भी देखते हैं, वो अपने घर को भी देखते हैं, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी देखते हैं, उसके बाद भी वो बैलेंस करके चलती है। तो आज के टाइम में महिलाओं को ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा एन्जाइटी, चिंता भी बहुत करती है महिलाएं। बिल्कुल। बिकॉज ज़्यादा वर्क, घर और बाहर की जिम्मेदारियां संभालते हुए स्ट्रेस भी बहुत हाँ, होता है। स्ट्रेस भी बहुत होता है, चिंता है उन्हें, इसलिए बिकॉज महिला की यही क्वालिटी, जैसे साइकोलॉजी हम बोल सकते हैं, मैं साइकोलॉजी की बात करूँगी, ये साइकोलॉजी ही है वुमेन्स की, चिंता करना, ओवर थिंक करना, ये साइकोलॉजी बन गई है। तो वो सब चीज़ों से निकलने के लिए मैं आप सभी महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप रेगुलर बेसिस पे योगा करें, मेडिटेशन करें, जिससे कि आप ये सारी चीज़ों से धीरे 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 निकल जाए। सो मेरे तरफ से आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। बिल्कुल, आपने सच कहा कि एक साइकोलॉजी बन गई है, महिलाएं जो है ज़्यादा मतलब स्ट्रेस जो है वो लेती है, ले भी क्यों ना, क्योंकि वो माँ है, वो बेटी है, वो बहन है, तो कभी वो पत्नी है, तो वो जीवन के हर सुख दुख में शामिल है, वो शक्ति है, वो प्रेरणा है, वो जीवन के हर मोड़ पर साथ देती है, वो है।
तो ये एक महिला है और महिला के जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है वो हर पल जो है निभाती है। और आज के महिला दिन विशेष में दिव्या ने हमें बहुत अच्छी जानकारी जो दी है स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। और आज के इस खास मुलाकात में वक्त हो चला यही रुकने का। आप देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।